इधर बताएंगे। ये 2 मीटर्स क्लॉथ है, ये देखें इस तरह से में फ्रंट और अंदर की ओर जाना है एंड बैक साइड बाहर की ओर आना है इस तरह से। ये फ्रंट साइड है एंड ये बैक साइड, अच्छे से फोल्ड कर लें। थोड़ा सा फोल्ड करें, इस तरह से क्रॉस कटिंग मिले। इस तरह से क्रॉस में तरह से डालें, मार्जिन डालें, शलवार की लेंथ है 40 + 1 41, आपकी बेल्ट लेंथ रहेगी 6½। 6½ छोड़ करके आपको लेना है 41, इस तरह से। तो होगी 35, 34½ लेना है हमको इस तरह से। तो से मार्क डाल लें 34½ के पास बॉटम, इस तरह से। ये देखिए 1 इंच स्टिचिंग के लिए, इस तरह से। लेंथ है इसकी 34½, मार्जिन डाल लें। इस तरह से फलाई सीट 4 8, इस तरह से डालने जो है आप 13 रखें, थोड़ी और बड़ी बच्ची के लिए 14 एंड 15 एंड वुमेन्स के लिए 16½ रख सकते हैं। अभी हम 13 रखेंगे, इस तरह से मार्जिन डालने। घुटने की लंबाई होगी 14 एंड बॉटम विड्थ 11 / 2 5½, इस तरह से। स्टिचिंग के लिए 4½, इसी तरह से ले सकते हैं। इसकी लंबाई होगी 14, से डाल। ये है स्टिचिंग के लिए,
अभी कटिंग करेंगे। तो इसे कट कर लें। ये भी कट कर लें। ये भी कटिंग इस तरह से। इस तरह से पीस निकाल लें। पीस निकाल करके तरह से लगा लें। इस तरह से से जॉइंट देना पीसेस को। ये जॉइंट इस तरह से। बेल्ट की कटिंग करेंगे अभी। बेल्ट की विड्थ की 6.5 एंड लेंथ इज 6.5। इस तरह से 2 फोल्ड लें। ये 18.5 विड्थ इज 18.5 उस तरह से एंड लेंथ इज 9। मार्जिन डालें। मार्जिन डालें। कटिंग कर लेंगे। ये हो गया बेल्ट की कटिंग। लेंथ इज 40+1 41, विड्थ 13 एंड सीट फलाई 8 एंड बॉटम 11/2 5.5। इसी तरह से बेल्ट लेंथ इज 6.5 एंड बेल्ट विड्थ इज 18। इसी में स्टिचिंग आएगी 1 इंच। आपको ये जो कलियां हैं, कलियां जॉइंट करना है। आपको कलियां भी हम बताएंगे कलियां किस तरह से जॉइंट करें। ये 8 to 10 इयर्स गर्ल के लिए है छोटीदार सलवार। ओके।